कहते हैं कि शक्ति हमेशा सुनसान जंगलों एवं पहाड़ियों में ही प्राप्त होती, ना कि शहरों में। यही कारण है कि शक्ति प्राप्त करने के लिए ऋषि मुनियों से लेकर तपस्वी ने जंगल की ओर जाकर आश्रम बनाया करते थे और शक्ति प्राप्त करते थे। यही कारण है कि महावीर से लेकर जितने भी धर्म प्रचारक हुए वहां जंगलों में जाकर सुनसान में अपनी शक्ति प्राप्त करते थे। ऐसी ही शक्ति का जीता जागता नमूना हमारे शहर गोड्डा से 25 किलोमीटर दूर जंगलों के बीच में देखने को मिल रहा है। दुर्गम रास्तों एवं पहाड़ियों के रास्तों से गुजरने के बाद मामू भैगना मंदिर मिलता है। यह मंदिर बेलबथान गांव में स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ जो भी लोग मुराद मांगते हैं उनकी मन्नतें पूरी होती है। विधानसभा चुनाव के पूर्व विधायक प्रदीप यादव ने भी मंदिर में जाकर अपनी मन्नतें मांगी थी। कहते हैं कि इस मंदिर में लोग दूर दूर से आते हैं और इतने कठिन रास्तों से कांटों झाड़ियों से गुजरते हुए भी लोग इसकी परवाह ना करते हुए इस मंदिर में लोग भक्ति के लिए आने से कतराते नहीं। इस रास्ते को सुगम बनाने के लिए पोड़ैया हाट के कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने काफी सराहनीय कदम उठाते हुए मंदिर जाने के रास्ते में कुछ काम भी करवाया है। आइए जानते हैं आखिर मामू भैगना मंदिर क्या है। नमस्कार, मैं हूं मनोज, आप देख समाचार आज तक। आज हम बात कर रहे हैं गोड्डा जिला के झेलुआ पंचायत की। आज ऐसे सुंदर एक यहां पर ऐसे जंगल है और जंगल के बीचों बीच में एक ऐसी धर्म स्थल है, आप बयान नहीं कर सकते हैं। आज हमको दिखा रहे हैं हम, आज ये हैं मामा भैगना। आज इनके बारे में जानते हैं यहाँ के पुजारी लोगों से। क्या नाम हुआ पुजारी जी आपका? दिलीप महतो। तो यहाँ जो मामा भैगना के रूप से लोग बहुत दूर दराज से आते हैं पूजा करने के लिए, मन्नतें मांगने के लिए, मन्नत मांगने के लिए। तो आप लोग ये पूजा पसा कब से करवा रहे हैं, कितने वर्ष पूर्व से चल रही है? 300 वर्ष से चल रहा है, लेकिन पहले था कोई दूसरा कर रहा था, हाल फिलहाल में हम हैं अभी 5-6 साल से। अच्छा, उसके बाद अभी ठीक है चल रहा है यहाँ पूजा पाठ। तो करीबन ये प्रत्येक दिन का होता है पूजा की मंगल शनिवार? मंगल और शनिवार को। सप्ताह में दो दिन पूजा होता है? दो दिन। अच्छा, तो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं? दूर दूर से। करीबन कितने दूर से आते हैं? राजमहल हो गया, इधर दुमका हो गया, लाल मटिया हो गया, इधर बढ़िया हट सुंदर पहाड़ी, इधर से आता है आदमी, सब लोकल भी है सब। अच्छा अच्छा, बहुत दूर दूर से भी आदमी आते हैं पूजा करने के। जो आए हुए हैं सब तो सुने ना बाहर का। ऐसे यहाँ बलि प्रथा का भी प्रावधान है क्या? हाँ, बलि पाठा मुर्गा कबूतर ये सब बलि में आता है। अच्छा, पाठा मुर्गा कबूतर इस समय बलि में आता है और सिर्फ मंगल और शनिवार को ही होता है? मंगल शनिवार को। जी आप लोग कहाँ से आए हैं? मंझिया से। मंझिया से। तो कैसा लग रहा है यहाँ इस मंदिर में आप लोग? इस मंदिर में बहुत धूमधाम से, बहुत बढ़िया, अच्छा चल रहा है और चलना चाहिए, चलना चाहिए। तो आपको इस मंदिर में कुछ कमियां नजर आ रहा है क्या? नहीं, कुछ कमी नहीं है, कोई कमी नहीं। ये मंदिर पूरा, इस मंदिर आने में जो रास्ता है उस रास्ते से मोटरसाइकिल भी बढ़िया से आना जाने में थोड़ा दिक्कत होता है, दिक्कत हो रहा है। उसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? दिक्कत हो रहा है, बहुत दिक्कत। उसके लिए रोड चाहिए। और कुछ मांग करते हैं? नहीं, उसके लिए रोड चाहिए, धूमधाम से बनना चाहिए, जगह रहना चाहिए आदमी का रहने का। देखिए हम लोग जो यहाँ से उतना दूर से आए हैं, जो हमारा मंदिर है और मंदिर रहेगा, जो हम बोलने चाहते हैं जैसे सुविधा माँ बहन का सबका सुविधा और जैसा रहेगा वैसा रहना चाहिए, और धर्मशाला या नहाने धोने का। आप कहाँ से आए हैं? बरेठ से। बरेठ से आए हैं? अरे बबी, तो बरेठ बहुत दूर से आए हैं पूजा करने, कैसे मालूम पड़ा आपको यहाँ? यहाँ मेरा ये है, ससुराल है। कहाँ ससुराल हुआ? यहाँ मखनी। अच्छा अच्छा, ससुराल के माध्यम से मालूम पड़ा यहाँ। जी हाँ। अब पूजा करने आए हैं, मन्नत मांगने यहाँ पर? मन्नत मांगने आए हैं। आए हैं मंझिया। तो मामू भगने के पास क्या मांगने आए हैं आप? मांगने आया कि जमा थी बाहर गला चलला, बेटी बड़ी तकलीफ दुख दिया, उससे वास्ते आल है। तो आपका जमा अभी तक घर नहीं आ रहा है? नहीं। वही आप मांगने आए हैं? हाँ। जल्दी मेरा जमात घर आ जाए। हाँ। आप लोग का क्या नाम हुआ? आप लोग कहाँ से आए हैं? मखनी। मखनी से। आप लोग क्या समस्या है? ये जो कुछ दुख विपत है। अच्छा, कुछ दुख विपत है तो आज मामा भैगना से मांगने आए हैं कि मेरा दुख विपत कल्याण हो जाए।